बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक्चुअली एक टेबल है जिसमें हम एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिहाज से अरेंज करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लुक एट दिस टेबल इसमें एलिमेंट्स को रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ के लिहाज से अरेंज किया गया है अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आएँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं टॉप से बॉटम की तरफ देखेंगे तो हमें लगेगा कि इट इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और बॉटम से टॉप की तरफ आएँ तो इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है 2.87 तो इसको टॉप पे रखा गया है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है दैट इज माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट इसको बॉटम पे रखा गया है लेकिन ये बड़ा शॉर्ट सा टेबल है इसको डिटेल से भी हम देखेंगे बाद में अब हम ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है अगर हमारे पास एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ की टेबल हो यानी अगर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हो तो हमें उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इंफॉर्मेशन उबटेंड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अब पहली बात जिस एलिमेंट का के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी उसके रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है या यूं कहें कि वो एलिमेंट दूसरों को ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू बी रिड्यूस्ड यानी रिड्यूस होने की एबिलिटी इंक्रीजेस विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ़ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप कापर और जिंक की एग्जाम्पल लें ये एग्जाम्पल हमने बड़ी दफ़ा पढ़ी है कापर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि कॉपर रिड्यूस होता है और जिंक ऑक्सीडाइज होता है इसी एग्ज़ाम्पल को बाकी एलिमेंट्स पर अप्लाई करें जिन एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी उनमें रिड्यूस होने की और दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी ज़्यादा है और जिन एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है उनमें ऑक्सीडाइज होने की और दूसरों को रिड्यूस करने की एबिलिटी ज़्यादा है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझिएगा कि जिन एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो सिर्फ रिड्यूस ही होंगे वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है ये गलत फहमी अभी थोड़ी देर बाद दूर हो जाएगी द टेंडेंसी ऑफ एली एलिमेंट टू बी रिड्यूस्ड इनक्रीज विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतना ही एलिमेंट में रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा होगी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम पॉजिटिव होगी उतना ही उसमें ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू बी ऑक्सीडाइज डिक्रीज विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि ये वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में ली गई हैं, ये दो बातें तो ये हो गई इसका मतलब है इस सीरीज में अगर आप देखें तो हम कहेंगे फ्लोरीन के रिड्यूस होने की एबिलिटी लेड से ज्यादा है फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन बनने की एबिलिटी चूंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल लेड से ज्यादा है तो फ्लोरीन में रिड्यूस होने की एबिलिटी लेड से ज्यादा है और अगर आप हेलोजेंस को कंपेयर करें फ्लोरीन के रिड्यूस होने की एबिलिटी यानी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ऑब्ज़ॉर्व करने की एबिलिटी क्लोरीन से ज़्यादा है और क्लोरीन के रिड्यूस होने की एबिलिटी ये जो नीचे रिएक्शन है ऑक्सीजन फोर प्रोटॉन ऑब्ज़ॉर्व करता है फ़ोर इलेक्ट्रॉन ऑब्ज़ॉर्व करके वाटर बनाता है इस रिएक्शन से क्लोरीन के रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है अगर आप मेटल्स को देखें सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कापर से ज़्यादा है इसलिए हमने पढ़ा था कि जब सिल्वर और कापर को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो सिल्वर की रिडक्शन होती है कापर की ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से अब ये बात वाजे हो गई कि सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कापर से ज़्यादा है इसलिए सिल्वर में रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कापर हालांकि सिल्वर और कापर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है लेकिन हमने कहा जित रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतना ही एलिमेंट में रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉइंट एट है कापर का रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉइंट थ्री फोर है तो सिल्वर का चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव है इसलिए इसमें रिड्यूस होने की एबिलिटी कॉपर से ज्यादा है या दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि कापर के ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी सिल्वर से ज्यादा है थर्ड वन एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्ट एज कैथोड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही एलिमेंट में कैथोड बनने की एबिलिटी ज्यादा होगी कापर और जिंक को अगर कंपेयर करें कापर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो कापर में अगर जिंक और कापर को कंपेयर करें तो कापर कैथोड होगा जिंक एनोड होगा लेकिन अगर कापर को सिल्वर के साथ कंपेयर करें तो फिर सिल्वर कैथोड होगा कापर एनोड होगा जिसका रिडक्ट अगर दो एलिमेंट हमें गिवन है एक का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है तो फिर फैसला करना बड़ा आसान है जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो एज कैथोड बिहेव करेगा उसमें रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी अगर दोनों एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो कैथोड होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम पॉजिटिव होगा वो एनोड होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है वो रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस पॉजिटिव है वो एनोड होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी जो खुद ऑक्सीडाइज होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी जो खुद रिड्यूस होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी अगर दोनों एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो फिर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगा वो कैथोड होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा वो एनोड होगा ये देखें लुक एट दिस सीरीज आप अगर जिंक और एल्यूमिनियम को कंपेयर करें जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस पॉइंट सेवन सिक्स और एल्यूमिनियम का माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स अगर आप जिंक और कापर का सेल बनाएं तो जिंक एज कैथोड बिहेव करेगा और एलुमिनियम एज एनोड बिहेव करेगा क्योंकि एलुमिनियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जिंक से ज़्यादा है अब एलुमिनियम एनोड होगा जिंक कैथोड होगा एलुमिनियम ऑक्सीडाइज होगा जिंक रिड्यूस होगा यानी एलुमिनियम की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है जिंक की ऑक्सीडाइजिंग पावर एलुमिनियम से ज़्यादा है एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्ट एज कैथोड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्ट एज एनोड इनवर्सली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए हमने कहा एलोमिनियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है जिंक से इसलिए एलुमिनियम में एनोड बनने की एबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू जिंक जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी उसकी एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगी जिंक और एल्यूमिनियम को देख लें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है एज ज्यादा है एल्यूमिनियम से तो जिंक की ऑक्सीडाइजिंग पार एल्यूमिनियम से ज्यादा है ऑक्सीडाइजिंग पार आर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ स्टैंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कापर और जिंक को कंपेयर करें कापर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है और जिंक की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है अगर आप जिंक और एल्युमिनियम को कंपेयर करें जिंक की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है और एल्युमिनियम की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है इट मीन ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर इन्वर्सली डिपेंड करती है ऑन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन हो देन यू शुड बी एबल टू डिसाइड एलिमेंट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच एलिमेंट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच एलिमेंट विल एक्ट एज एनोड विच विल एक्ट एज कैथोड विच एलिमेंट इज बींग ऑक्सीडाइज विच एलिमेंट इज बींग रिड्यूस्ड अगर आपको एक सेल गिवन हो और आपको बताया जाए इसमें ये दो एलिमेंट के कैथोड हैं यानी आप तो आपने खुद डिसाइड करना है कि इनमें एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है और फिर आपने ये भी डिसाइड करना है कि इस सेल की फिजिबिलिटी क्या है फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन सम ऑफ एनोड एंड कैथोड सम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू यहां लिखना जरूरी है क्योंकि अगर वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी तो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा यानी किसी भी सेल में एनोड और कैथोड का आप रिडक्शन पोटेंशियल ले लें फिर उससे सेल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करें यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इन दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस फिजिबल होगा और अगर नेगेटिव है तो इट मीन कि वो प्रोसेस स्पोंटेनियस नहीं है जब हम जिंक को एनोड बनाते हैं कापर को कैथोड बनाते हैं इन डेनियल सेल तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू वन पॉइंट वन ज़ीरो इट मीन कि ये सेल फिजिबल है इसमें होने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस स्पोंटेनियस है और अगर आप कैथोड अगर आप जिंक को कैथोड बनाने की कोशिश करें और कॉपर को एनोड बनाने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं होगा अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर आप गौर से देखें लुक एट दिस सीरीज अगेन जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए थे इन वेरी स्टार्ट जब आपने गल्वैनिक सेल पढ़ना शुरू किए थे तो हमने कहा था जिंक को कॉपर में डिप करें जिंक के रॉड को क्यूप्रिक आयन के सॉल्यूशन में डिप करें तो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन होता है अगर आप कॉपर के रॉड को जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिप करें केमिकल रिएक्शन नहीं होता इस तरह की कुछ और एग्जांपल भी हमने डिस्कस की थी उसकी वजह यह है कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है कापर से तो जिंक इलेक्ट्रॉन लू ईज़ीली लूज़ करता है और जिंक आयन बना के सोल्यूशन में चला जाता है क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी कापर से ज़्यादा है कापर की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी जिंक से कम है तो जब आप जिंक का के राड को कापर आयंस के सोल्यूशन में डिप कर करते हैं तो जिंक का राड इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है जिंक आयन बनते हैं जिंक आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं अलबत् कापर के आयन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो जो आयन जिंक ने लूज किए जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए कापर के आइन्स वही इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करके जिंक कापर एटम बनाते हैं और वो कापर के एटम जिंक के राड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं इसका मतलब और सोलूशन के अंदर अब जिंक आयन जा रहे हैं और कापर के आयन अब सोलूशन से निकल रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि जिंक के, के आयन कापर के आयन को रिप्लेस कर रहे हैं सॉल्यूशन में से इसका मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है कापर से तो जिंक के आयन सोलूशन में से कापर के आयन को रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन कापर के आयन सोलूशन में से जिंक के आयन को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा है और थ्रेटिकली भी पढ़ा है कि अगर आप कापर के राड को जिंक आयन के सोल्यूशन में डिप करें तो कोई रिएक्शन नहीं होता चूँकि कापर की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी जिंक से कम है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अब हमें ये बात पता चली कि जो एलिमेंट नीचे की तरफ़ हैं वो ऊपर वाले एलिमेंट को के आयंस को सोल्यूशन में से रिप्लेस कर सकते हैं यानी लिथियम मैग्नेशियम आयन को रिप्लेस कर सकता है मैग्नेशियम एल्यूमिनियम आयन को रिप्लेस कर सकता है एल्यूमिनियम जिंक आयन को, को, को रिप्लेस कर सकता है जिंक आयरन को लेड को कॉपर को रिप्लेस और सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है लेकिन इससे रिवर्स नहीं हो सकता यानी अगर आप जिंक के राड को एलुमिनियम आयन के सोल्यूशन में डिप करेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल एलुमिनियम से ज़्यादा है जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी एल्यूमिनियम से कम है अलबत्त अगर आप एलोमिनियम के राड को जिंक आयन के सोल्यूशन में डिप करें देन एलोमिनियम अगर आप एल्यूमिनियम के राड को जिंक आयन के सोल्यूशन में डिप करें एलोमिनियम के एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे एलुमिनियम आयन बनेंगे वो एल्यूमिनियम आयन सोलूशन में चले जाएंगे और जिंक की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है तो जिंक के आइन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एल्यूमिनियम के राड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे इट मीन हमने ये कंक्लूड किया कि के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर एलिमेंट हायर एलिमेंट्स के आयंस को सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लोअर एलिमेंट कैन रिप्लेस हायर एलिमेंट फ्रॉम फ्राम इट मीन जिंक आयन कैन रिप्लेस कॉपर आयन फ्रॉम सोल्यूशन बट कॉपर आयन कैन नॉट रिप्लेस जिंक आयन। इसलिए अगर आप जिंक सॉलिड जिंक को क्यूपरिक आयन के सोल्यूशन में डिप करें तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी कॉपर की रिडक्शन हो जाएगी पहले सोल्यूशन में कापर के आयन थे अब सोल्यूशन में जिंक के आयन हैं इटमीन के जिंक के आइन्स ने कॉपर के आय को रिप्लेस कर दिया लेकिन अगर आप कापर के राड को जिंक आयन के सोल्यूशन में डिप करें तो रिएक्शन नहीं होगा कापर के आयन जिंक के आयन को रिप्लेस नहीं कर सकेंगे रिएक्टिविटी इसी से एक बात हमने ओके, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिन एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी पॉजिटिव होती जाएगी जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ही रिएक्टिविटी कम होगी इट मीन इस सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर की तरफ है लेड सिल्वर गोल्ड ये ये इनर्ट या नोबल इन्हें मेटल कहते हैं क्योंकि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है ये लेस रिएक्टिव होते हैं और जिंक एलोमिनियम मैग्नीशियम एलोमिनियम ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं रिएक्टिविटी कम होगी अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें यह भी पता चलेगा कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से कम रिएक्टिव हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हमने ज़ीरो सपोज किया है तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है यानी कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जिन एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो यानी नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाली एलिमेंट के आयंस को सोल्यूशन में से रिप्लेस कर सकते हैं अब जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन आयन को एसिडिक सोल्यूशन से रिप्लेस कर सकते हैं यानी अगर आप जिंक को एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम को एसिड में डिप करें तो फॉरन केमिकल रिएक्शन होगा इन मेटल्स के आयन सोल्यूशन में चले जाएंगे और सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन है एसिड के सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन है वो रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द एलिमेंट बिलो हाइड्रोजन कैन रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड सोल्यूशन बट अपर एलिमेंट कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड सोल्यूशन जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को रिप्लेस कर सक कर सकता है ज़्यादा वाला कम वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता अब अगर आप जिंक को किसी भी एसिड के सोल्यूशन में डिप करें चाहे आप जिंक को एच के सोल्यूशन में डिप करें या सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में डिप करें या नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में डिप करें जिंक की का रिडक्शन पोटेंशियल चूंकि हाइड्रोजन से कम है जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिंक के आयन सोल्यूशन में चले जाएंगे और सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन के आयन है वो रिड्यूस होंगे और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे तो जिंक ने सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दिया लेकिन कॉपर या लेड या सिल्वर ये काम नहीं कर सकता या गोल्ड अगर आप सिल्वर को एसिड के सोल्यूशन में डिप करेंगे ये रिएक्शन नहीं होगा इसका मतलब है अगर आपने एसड को स्टोर करना है या एसड को ट्रांसपोर्ट करना है तो कंटेनर ऐसी मेटल का हो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है ताकि वो मेटल एसड के साथ रिएक्ट ना कर सकें आप एसड को ऐसी मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है यानी एसड को एल्यूमिनियम के कंटेनर में स्टोर ना करें जिंक के कंटेनर में स्टोर ना करें क्यों कि जब आप जिंक के कंटेनर में एसड डालेंगे तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और जिंक के आयंस बनेंगे इस जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो वो कंटेनर ऐसा ऐसा डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली वो कंटेनर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और एसड सप्लीट हो जाएगा एसड फ्लो कर जाएगा और उससे नुकसान होगा इसी तरह थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर एलिमेंट्स हायर एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं इसका मतलब है जिन एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल लो है उनके सोल्यूशन को ये देखें यहां पर हमने ये डिस्कस किया था इसी से रिलेटेड ये बात है वी कैन नॉट स्टोर और ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल आइन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन कंटेनर ऑफ मेटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल के सोल्यूशन को आप लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल के कंटेनर में न स्टोर कर सकते हैं ना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यानी कॉपर आयन के सोल्यूशन को आप जिंक के कंटेनर में स्टोर नहीं करें क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है अगर आपने क्यूपरिक आयन का या यूं समझ लें कापर सल्फेट का या कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन जिंक के कंटेनर में डाल दिया तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा

इन कंटेनर ऑफ जिंक बट वी कैन स्टोर आर ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन ऑफ जिंक आइन इन कंटेनर ऑफ कापर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल के सोल्यूशन को आप हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं लेकिन हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल आयन के सोल्यूशन को लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल के कंटेनर में स्टोर या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते अगेन लुक एट दिस ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब जो एलिमेंट जितना नीचे है उतना ही वो एज एनोड बिहेव करेगा उतना ही उसमें ऑक्सीडाइज होने की और दूसरों को रिड्यूस करने की एबिलिटी ज्यादा होगी और जो एलिमेंट जितना ऊपर होगा उतना ही उसमें कैथोड बनने की रिड्यूस होने की और दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी और अगर कोई से आपको एलेक्ट्रोड गिवन हो लेट सपोज आपको कहा जाए कि एलुमिनियम और कैडमियम का सेल है तो आप पहले तो आप फ़ॉरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखेंगे एलुमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है कैडमियम से तो हम कहेंगे एलोमिनियम एनोड है कैडमियम कैथोड है फिर आप इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का सम लेंगे अगर वो सम पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे ये सेल फिजिबल है और फिर आप देखेंगे एलुमिनियम का चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो एलुमिनियम की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है कैडमियम की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बॉटम से टॉप की तरफ जाते हुए इंक्रीज होती है और स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए इंक्रीज होती है इस पर एक नुमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व मैं यहाँ पर की हुई है और एक नुमेरिकल एग्जाम्पल आपने खुद सॉल्व करनी है एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा एग्जाम्पल वन ए गलवानिक सेल कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन वन मोलर सोल्यूशन ऑफ़ मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन वन मोलर सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फाइंड स्टैंडर्ड ईमएफ़ अब चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो यहाँ टेम्परेचर अगर ना भी कहा जाए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो भी अंडरस्टूड है क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फाइंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल अगर आपको कहा जाए फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो भी इसका यही मतलब होगा और अगर आपको कहा जाए फाइंड स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज तो भी इसका यही मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन है इसलिए हमने हर इलेक्ट्रोड को उसके आयंस के वन मोलर सोल्यूशन में डिप किया है अब ये देखें चूंकि हम बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में इसलिए ये हमने दोनों के रिडक्शन रिएक्शन लिख दिए हैं सिल्वर की रिडक्शन का रिएक्शन और मैग्नीशियम की रिडक्शन का रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के हमें आइडिया होगा कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉइंट एट वोल्ट और मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस टू पॉइंट थ्री सेवन वोल्ट इसका मतलब है मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इस रिएक्शन में इस सेल में ये जो गिलवानिक सेल हम मेंशन कर रहे हैं इसमें मैग्नीशियम एज एनोड एक्ट करेगा और सिल्वर एज कैथोड बिहेव करेगा तो मैग्नीशियम विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड सिल्वर विल बी रिड्यूस्ड इस रिएक्शन में देखें मैग्नीशियम के का एक मोल दो मोल इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करता है और सिल्वर का एक मोल मोल इलेक्ट्रॉन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम सिल्वर के साथ भी दो मल्टीप्लाई कर देंगे यानी मैग्नीशियम का एक मोल दो मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा क्योंकि मैग्नीशियम एज एनोड बिहेव कर रहा है और सिल्वर का एक मोल एक मोल इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा और जब आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब है कि टू मोल ऑफ सिल्वर आयन विल अब्जॉर्व टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस टू मोल ऑफ सिल्वर सॉलिड मोल ऑफ सिल्वर मेटल अलबत्ता ये जो टू से मल्टीप्लाई किया है ये आपने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई नहीं करना चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है अब हम ओवरऑल सेल रिएक्शन देखेंगे दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन नो वी विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू दैट इज कॉल्ड ई एम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इस सेल में सिल्वर एज कैथोड बिहेव कर रहा है सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल वोल्ट और मैग्नीशियम एज एनोड बिहेव कर रहा है मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस टू पॉइंट थ्री सेवन वोल्ट आपने कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना है तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू 3.17 वोल्ट यह वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है इसका मतलब है ये सेल फिजिबल है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इस गलवानिक सेल में जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है अब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इस सेल में कैडमियम का इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड है क्रोमियम का कैडमियम इलेक्ट्रोड हैज बीन डिप्ड इन वन मोलर सोल्यूशन ऑफ कैडमियम नाइट्रेट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ क्रोमियम हैज बीन डिप्ड इन वन मोलर सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम नाइट्रेट अब चूंकि स्टैंडर्ड ईमए सेल ई एम एफ आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब है टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड है आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखना है कैडमियम और क्रोमियम में से जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसको एनोड बना लें और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको कैथोड ले लें अगर तो एक का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है तो फैसला करना बड़ा आसान है नेगेटिव वैल्यू वाला इलेक्ट्रोड एनोड होगा और पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड कैथोड होगा अगर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव है वो कैथोड है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम पॉजिटिव है वो एनोड है और अगर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ नेगेटिव है तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज मोर नेगेटिव है जिस एलिमेंट ये कैडमियम और क्रोमियम में से जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ज़्यादा नेगेटिव है वो एनोड है और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम नेगेटिव है वो कैथोड है तो प्यारे बच्चों इसको अपने तौर पे सॉल्व करें इस सेल का रिडक्शन इस सेल के रिएक्शन लिखें इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखें इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करें और फिर डिसाइड करें आइदर दिस रिएक्शन इज स्पोंटेनियस आर नॉन स्पॉन्टेनियस एंड आइदर दिस सेल इज़ फिजिबल आर नॉट ये इस क्वेश्चन का आंसर यानी इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को सॉल्व करके इसका आंसर आपने इस वीडियो के कमेंट्स में लिख देना है थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज